नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के शहर के मुख्य समाचार। टोपरा कला के ऐतिहासिक पार्क में हुआ हेरिटेज मैराथन दौड़ का आयोजन। बिजली कर्मचारी करंट की चपेट में आकर हुआ घायल। समस्या के समाधान के बिना सीएम विंडो की शिकायत पर दिखाई सहमति। शिकायतकर्ता ने दोषियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। मातृ दिवस पर IPS में हुआ विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन। मदर डे पर महाराजा अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित हुए कार्यक्रमों में बच्चों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। सम्मेलन को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने बैठक कर बनाई रणनीति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। परल किंडरगार्टन विंग में धूमधाम से मनाया गया मदर डे। अब खबरें विस्तार से। गांव टोपरा कला स्थित ऐतिहासिक अशोका पार्क में जिला खेल विभाग की ओर से पहली हेरिटेज मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुज्जर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और हरी झंडी दिखाकर मैराथन का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने प्रतिभागियों के लिए 1,00,000 रुपये की देने की घोषणा की। इस मौके पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुज्जर ने कहा कि आज खेल केवल शरीर को स्वस्थ रखने का ही माध्यम नहीं है, बल्कि खेलों से करियर को भी एक नई दिशा व उड़ान दी जा सकती है। गांव संधाली के समीप शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब गुमथला फीडर पर बिजली के खंभे पर कार्य कर रहा एक बिजली कर्मचारी अचानक करंट की चपेट में आ गया। करंट लगने के कारण कर्मचारी नीचे गिरकर घायल हो गया, जिसके बाद साथी कर्मचारी व अन्य लोगों की मदद से उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए यमुनानगर के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां कर्मचारी उपचाराधीन है। निगम के जी मोहनलाल ने बताया कि कर्मचारी अरुण कुमार को आज गुमथला फीडर पर गांव संधाली के पास एक बिजली खंभे पर जंपर ठीक करना था, जिसके लिए उन्होंने बकायदा पावर हाउस से परमिट लिया हुआ था। उन्होंने बताया कि अरुण जैसे ही जंपर ठीक करने के लिए बिजली के पोल पर चढ़ा तो वह करंट की चपेट में आ गया और जोरदार झटके से नीचे गिर गया। जय मोहनलाल ने बताया कि परमिट लेने के बाद भी तारों में करंट कैसे आया, इस बारे जांच की जाएगी। लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश में शुरू की गई सीएम विंडो भी लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही है। इसके विपरीत यहां आने वाली शिकायतों को बिना शिकायतकर्ता की सहमति लिए बगैर ही बंद किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला क्षेत्र में सामने आया है, जिसमें गांव नाचरोन निवासी सिंहराम ने एक व्यक्ति पर अपने बेटे को रंजिशन के तहत हटाए जाने की शिकायत सीएम विंडो पर की थी, लेकिन आरोप है कि उसकी शिकायत को गलत तरीके से बंद कर दिया गया, जिसके बाद एक बार फिर शिकायतकर्ता ने मामले की शिकायत सीएम विंडो पर दी है, जिसमें इस बार शिकायत के निवारण के साथ साथ शिकायत को गलत तरीके से बंद करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है। इंडियन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को मातृ दिवस पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में कक्षा नर्सरी से लेकर 8वीं तक के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान बच्चों ने नृत्य, कविता, बिस्किट डेकोरेशन, बेलपूरी, सैंडविच मेकिंग आदि प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखाई। इस मौके पर इंदु मेहता ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से बच्चों में सहयोग की भावना बढ़ती है और इन छोटे छोटे कार्यों के द्वारा वे अपनी माँ की भी मदद कर सकते हैं। महाराजा अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में मदर डे के अवसर पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने पूरे जोश के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ अधिवक्ता दीक्षा अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम में बच्चों ने सुंदर पोशाकों में नृत्य व कैटवॉक प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर सुदेश बंसल ने कहा कि हमें ऐसी गतिविधियाँ विद्यालय में करवाते रहना चाहिए, इससे बच्चों में प्यार की भावना उजागर होती है। 12 मई को शहर के शहीद उधम सिंह काम्बोज धर्मशाला में आम आदमी पार्टी के एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। वहीं प्रदेश संगठन मंत्री प्रवीण प्रभाकर व सह प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। सम्मेलन की तैयारियों को लेकर आज पार्टी के एक्टिव पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सम्मेलन को लेकर एक कमेटी का भी गठन किया गया। 21 जून को मनाए जाने वाले 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के अंतर्गत पतंजलि योग समिति व भारत स्वाभिमान ट्रस्ट शाखा द्वारा विशेष प्रोटोकॉल के तहत 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन शिव मंदिर अंधेरिया बागरादौर में किया गया। पतंजलि योग समिति के तहसील प्रभारी व हरियाणा योग आयोग के जिला कार्यकारिणी के सदस्य अमित काम्बोज की देखरेख में विशेष प्रोटोकॉल का अभ्यास करवाया गया। इस अवसर पर अमित काम्बोज ने कहा कि विश्व पटल पर भारत का गौरव बढ़ाने वाले इस राष्ट्रीय पर्व विश्व योग दिवस में हम सभी को परिवार सहित शामिल होना चाहिए। परल किंडरगार्टन विंग में मदर डे धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल के छात्रों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बच्चों ने मां से संबंधित सुंदर कविताएं भी इस दौरान प्रस्तुत की। इस दौरान बच्चों व उनकी माताओं के साथ नृत्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसकी सभी ने खूब सराहना की। इस अवसर पर प्रिंसिपल स्वाति गोयल ने कहा कि माँ भगवान का दूसरा रूप होती है, इसी भावना के साथ आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
रादौर व आसपास की खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।